किसी एक सब्सक्राइबर कहना है कि मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, इसके अंदर एक ही पेज है, मुझे यहाँ पर नया ब्लैंक पेज ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँ? क्या है तरीका पीडीएफ फाइल के अंदर एक ब्लैंक पेज ऐड करने का? तो आज के इस वीडियो में हम फ्री ऑनलाइन टूल की हेल्प से बताएंगे कैसे आप पीडीएफ फाइल के अंदर एक ब्लैंक पेज को ऐड कर सकते हैं आसानी से। तो जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक डायरेक्टरी। सबसे पहले हम इस पीडीएफ फाइल को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इंटरनेट को ओपन करेंगे एंड यहां पर एक टूल को ओपन करना। टूल का नाम है स्मॉल पीडीएफ। यहां पर पहला ही टूल आएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको एक टूल मिलेगा पीडीएफ टू वर्ड का, तो ये है कन्वर्ट पीडीएफ टू एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट। हम इस पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जिस पीडीएफ फाइल के अंदर ब्लैंक पेज एड करना है, एक या दो जितने, उस पीडीएफ फाइल को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर है पीडीएफ फाइल, तो अपलोड पर क्लिक करेंगे एंड इसे कन्वर्ट कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिकली हो रही है। अब इसे हम डाउनलोड करेंगे, तो हम अपनी वर्ड फाइल को डाउनलोड में सेव कर लेते हैं। ये देखिए फाइल डाउनलोड हो चुकी। अब दोस्तों यहाँ पर हम वर्ड फाइल को खोलेंगे, डाउनलोड ये है। यहाँ पर दोस्तों एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड सभी लैपटॉप कंप्यूटर में होते हैं, तो इस फाइल को आपको एमएस वर्ड में ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है या कंट्रोल एंटर दबाइए, न्यू पेज आ जाएगा। अगर नहीं आया तो यहाँ पर है इंसर्ट ऑप्शन, यहाँ पर है ब्लैंक पेज, आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए पेज ऐड हो जाएगा। तो जितने पेज आपको ऐड करना है ब्लैंक पेज पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ही कर देता हूँ, तो एक की रिक्वायरमेंट आपकी, तो एक ये है एक ये। अब दोस्तों यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसकी पीडीएफ बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आप अपने वर्ड फाइल से ही पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, उसके बाद मैं ऑनलाइन भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर फाइल पर जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, ब्राउजर एंड कहाँ लोकेशन सेव करनी फाइल की वो आप सिलेक्ट कीजिए, डेस्कटॉप पर। यहाँ पर पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम वर्ड डॉक्यूमेंट पीडीएफ एंड यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये पीडीएफ फाइल डॉक्यूमेंट बन चुका है, इसके अंदर एक और पेज आ गया ना। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर ये फंक्शन नहीं हो पीडीएफ फाइल बनाने का डायरेक्ट, तो आप ऑनलाइन टूल की हेल्प से बना सकते हैं। इसे हम क्लोज करेंगे, इंटरनेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर फिर से ये वेबसाइट खोल लेंगे इसमें पीडीएफ को। यहाँ पर आपको टूल ओपन करना है वर्ड टू पीडीएफ का, तो वर्ड टू पीडीएफ का टूल आपको मिल जाएगा, ये है वर्ड टू पीडीएफ। इस पर क्लिक करेंगे, जिस फाइल में आपने ब्लैंक पेज ऐड किया था वर्ड का, वर्ड की आप उसे अपलोड कीजिए। यहाँ पर यह अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद अपनी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ करने चाहते हैं, मैं इसे डाउनलोड वाले पे ही कर लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने कर ली, एंड इसे ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पर एक पेज ये, दूसरा ये ब्लैंक पेज आ गया है ना। तो आप इस तरीके से अपनी पीडीएफ फाइल के अंदर एक ब्लैंक पेज को ऐड कर सकते हैं। पहले आपको वर्ड बना लेना है, वर्ड में आपको न्यू पेज ऐड करना है जैसा कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उसकी पीडीएफ बना लीजिए, अगर ऑफलाइन बन रही है तो ऑफलाइन, नहीं बन रही तो आप इस वेबसाइट के द्वारा भी वर्ड की पीडीएफ फाइल बना सकते हैं ऑनलाइन, है ना। तो कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है जहां पर हमें ब्लैंक पेज ऐड करने होते हैं पीडीएफ फाइल के अंदर, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी ऑफिशियली वर्क में हमें पीडीएफ फाइल के अंदर ब्लैंक पेज ऐड करने की जरूरत हो जाती है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो काफी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।